ट्रैफिक हवलदार विशेषर शर्मा इलाहाबाद वाले बोल रहे हैं। रेंट का पैसा कब देगा? पांच बार तेरे घर आ चुका हूँ, तेरी खूबसूरत बीवी से मिला हूँ, हमेशा छुट्टा पकड़ा देती है, पूरा पैसा कब देगा? आए सारा, हमका बीवी घर से निकाल दिए हैं, सड़क पे बैठे हैं यहाँ। पैसा बीवी से ले और हो सके तो उसे भी साथ ले जा, यहाँ कमाई नहीं है, उसको रेंट चाहिए। तुम्हारी इतनी गर्म क्यों है? खोपड़ी सखा बाबू, खोपड़िया तो गर्म होगी ना, वहाँ नो पार्किंग का बोर्ड लगाए बैठे हैं और कोई ससुर आकर गाड़ी पार्क ही नहीं करता। जब नो पार्किंग बोर्ड में गाड़ी पार्क ना हो तो बोर्ड को वहाँ ले जाओ जहाँ गाड़ियाँ पार्क हो। हेलो, क्या हुआ? नो पार्किंग 150 फाइन। यहाँ जब मैंने बाइक लगाई थी तब ये बोर्ड नहीं था। तो क्या बोर्ड को पैर लग गए? यहाँ ये नाइंसाफी है सर, 150 रुपया नाइंसाफी है। वहाँ का रेट पूछो। अपना रेट 500 असली तो है। बोलो हमरो दुख भरे दिन गए, उस ससुर का नाती का बोले रेंट छोड़, कितना कब बेचेगा वो बता। हेलो हेलो हेलो, स्टॉप। क्या हुआ वॉचमैन? वॉचमैन मायसेल्फ ट्रैफिक पुलिस, नो पार्किंग में पार्किंग किया 150 फाइन। मैं तो पिछले 3 दिनों से यही पार्क कर रहा हूँ। तो बहुत अच्छा किया, 150 फाइन। अरे कल तक तो यहाँ नो पार्किंग नहीं था, आज अचानक कैसे हो गया? 3 दिन में नो एंट्री वन वे हो गया और वन वे नो एंट्री हो गया। ट्रैफिक कमिश्नर खुद परेशान है, घूम घूम के देख रहे हैं कि ये हुआ का है, फाइन तो देना पड़ेगा। एक पैसा नहीं दूंगा। 10 बेटू, 10 वास कुछ नहीं, ट्रैफिक पुलिस। अरे मैं दोस्त हूँ शाना पांडू। ए हाथ मत लगा, निशान है वही। कौन शाना पांडू? लाइसेंस 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 चाहिए। लाइसेंस? तुम दोनों सीरियस हो? तेरे को क्या लगा? One second. Yes, my name is Shana Pandu, but I am not a terrorist. ये देखो, insurance, ये license, और ये है PUC. ये तो सब बराबर है। अरे, stop! License है, insurance है, PUC है, जाके भरो। देखा, सारे documents किसी के पास नहीं, तुम्हारे पास है, मतलब कुछ ना कुछ गड़बड़ है। पीयूसी नहीं है। सका, पीयूसी नहीं है, 3,000 का फाइन मार इस पे। ऐसे दे, पैसे दे। जानू, एक्सक्यूज मी सका। जानू, मैं आया। वो आपकी बाइक लेके गया। और लाइसेंस भी ले गया। ए दास, सुन। मेरी जानू। मेरा लाइसेंस। मेरी सोनियों। मेरा लाइसेंस मुझे दे दे दास। ये हड्डी मार रहा कहाँ, कबाब में हड्डी बन रहा है? कोर्ट में जाऊँगा। जा यार, तेरे को जहाँ जाना है, काहे को धमकी दे रहा है? फिलहाल तो मैं गड्ढे में जा रहा। उल्टे हुए कहाँ से आ रहे हो? मैं कहाँ हूँ भाई साहब? तुम मोबाइल कोर्ट में हो। अरे मैं कोर्ट में जाने की सोच ही रहा था, कोर्ट खुद चलकर मेरे पास आया। मामूली गाड़ी को ठोका तो फाइन है 500 रुपए, पर तुमने मोबाइल कोर्ट की वैन को ठोका तो फाइन है 5,000 रुपए। अरे दास, मैं बना के पी जाऊंगा तेरी छाल। तुम मेरे कोर्ट में आकर मेरी छाछ बनाओगे? तुमने ये बहुत बड़ा गुनाह किया है, मैं तुम्हें 6 महीने की सजा सुनाता हूँ। पर मैं आपको कुछ नहीं कह रहा था। फिलहाल जाकर चक्की पीसो, सफाई 6 महीने के बाद देना। गुड मॉर्निंग फादर। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप? ठीक हूँ, ठीक हूँ। आज आपने जूते नहीं पहने? क्योंकि वो मेरे हाथ में है। मेरे जूते लो, क्या कर रहे हो तुम? आज मेरा बर्थडे है फादर। गॉड ब्लेस यू चाइल्ड। मैं केयर सेंटर के इन लोगों की कुछ मदद करना चाहती हूँ। ये लीजिए चेक। थैंक यू वेरी मच, ऊपर वाला हमेशा तुम्हें खुश रखे। गॉड ब्लेस यू चाइल्ड। आओ पकड़ लो मुझे। गुड मॉर्निंग मैडम, मैं हवलदार बन गया। बाय बाय बेटी, पकड़ रखना। गुलाबो, पुलिस वाला बन गया हूँ। मैं भी पुलिस वाला हूँ। मैं ट्रैफिक पुलिस। मैं भी ट्रैफिक। मेरा नंबर है 420। मेरा नंबर भी 420। मैं कहाँ गया? मैं चिंचपोकली पुलिस। मैं भी चिंचपोकली पुलिस स्टेशन। ये आदमी है कि पैजामा? आओ जानू, इसे समझाओ ना, ये तेरे खानदान का है क्या? जानू जरा देख। सावधान, जानू पहले ही मैं तुम्हारे प्यार में आधा पागल, अब यहाँ पूरा पागल हो जाऊंगा। सर आप मुझे यहाँ छुड़ाने आए हैं? सर यकीन नहीं होता, एक वो मेरा बेटा है, आवारा कुत्ता कमीना। गालियां देना बंद करो, मैं आपका बेटा दास हूँ। अबे मुझे तो पता ही नहीं चला ये तू है। पहले ये बताइए अपना गेटअप कैसा लगा? बहुत ही गंदा है। पहले जब तू आता था ना, 3-3 दिन नहाता नहीं था, वो बड़ी हुई दाढ़ी, गंदे कपड़े, तुझे वैसे देखने की आदत हो गई थी। ऐसे अगर अपन का गेटअप तेरे को पसंद नहीं है तो सोचो बिल्लो रानी को क्या घंटा पसंद आएगा। बिल्लो रानी? ये वैम्प कौन है? खामोश, अगर कहा उसको वैम्प तो बुझा दूंगा आपका लैंप। ये जेल है। हाँ, साइलेंस। सुनिए रो क्यों रही है? क्या रे, किसी का जेब काटा, गला काटा, क्या काटा? देखो तुम्हारी पसंद की लाल साड़ी पहन के आई हूँ। अरे शाला पांडो, तू यहाँ कैसे रहे? तुम्हारी वजह से मुझे 6 महीने की जेल हुई है।
एक बार मैं जेल से निकल गया ना तो तुम्हारे पूरे परिवार को बम से उड़ा दूंगा फड़ा। ए, पहले इसको हाथ लगा के दिखा। मैं चढ़ रहा हूँ, इस पर आपकी क्यों लाल हो रही है? जानता है ये कौन है? कपट्टा। थन है, मैं फादर। सन पुलिस, फादर कैदी, नो कंफ्यूजन, ग्रेट कॉम्बिनेशन, व्हाट अ फैमिली। तुम्हारी कमी पूरी करने के लिए तुम्हारे बड़े भाई साहब अक्सर आते रहते हैं। छह महीने की तो बात है। वादा करता हूँ शाणा पांडु, मैं इसे कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। हाथ हटा, हाथ हटा। दास को भाई क्राइम ब्रांच में भेजना चाहते हैं, वो भी एक हफ्ते में। ये कैसे मुमकिन है? सर अगर मेरे टैलेंट पर भी ध्यान दे तो मैं भी डीजीपी बन सकता हूँ। खतरनाक दरिंदा गजा जो 6 मर्डर के केस में तिहाड़ जेल में बंद था, वो जेल तोड़ के भाग गया है। पुलिस ने उस पर 2,00,000 रुपए का इनाम रखा है। ये बहुत ही खूंखार दरिंदा है और इस तरह रूप बदल बदल के लोगों को बेवकूफ बनाता है और उनकी हत्या। दास इसे पकड़ ले तो? दास ने अगर इसे पकड़ भी लिया तो आपको क्या लगता है उसे क्राइम ब्रांच में ले लेंगे? जरा दिमाग दौड़ाओ। जिसे पुलिस नहीं पकड़ पाई, उस खतरनाक मुजरिम को एक ट्रैफिक हवलदार ने पकड़ लिया तो प्रमोशन पक्का है सर। तो हम उस दरिंदे को पकड़ेंगे और पुलिस को ऐसे जताएंगे कि दास ने अपनी जान पर खेलकर उसे पकड़ा है और वो क्राइम ब्रांच में होगा। सुपर आइडिया सर, अगर ऐसे आइडिया मुझे देंगे तो मैं भी फोकट में डीजीपी बन जाऊंगा। दरवाजा खोल मेरे लिए, देख मैं आया तेरे लिए। ये कोई टाइम है आने का? सवाल जवाब बंद कर, पुलिस मेरे पीछे पड़ी है मेरी बचाने, इसलिए मुझे इस वक्त आना पड़ा। अब इंतजार नहीं होता, दरवाजा खोल। ये तो बताओ तुम इतनी घबराई हुई क्यों लग रही हो? कहीं तुमने मेरी गैर मौजूदगी में कोई दूसरी सेटिंग तो नहीं कर ली? अरे बाप रे, एक टाइम पे इतने सारे मर्द कैसे सेट कर दिए? यहाँ हमारी सेटिंग नहीं हो रही, वो तुम्हें सेट करने आए। तुम जानते हो ना मुझे ड्रिंक में बर्फ चाहिए होता है। बर्फ में कोई और जम रहा है सर। कितने दिनों से? एक हफ्ते से। अब शायद वो हमें इनकार नहीं करेगा, बाहर निकालो उसे और हमारे सामने पेश करो। ठीक है सर, खुल जा सिम सिम। चलो सैल्यूट मारो। विंटर सीजन, रेनी सीजन, समर सीजन। ठंडा किया, धो लिया, गरम किया, अब इसे सब्जी की तरह काट डाले सर। तुम यहाँ रहना चाहोगे या जेल में? जेल में, जेल में इतने सारे मौसम नहीं झेलने पड़ते। अगर हम जैसा कह रहे हैं वैसा तुम करो तो तुम्हें जेल में भेजा जाएगा और हमारे लोग वहाँ तुम्हारी अच्छी खातिरदारी करेंगे। थैंक यू सर, आप मेरे माए बाप हैं, आपका ये एहसान रहा मुझ पर। मैं जेल से कहीं नहीं भागूंगा, सुनामी आए, बम ब्लास्ट हो तो भी नहीं। टाइगर सर, इसे अपना काम समझा दो। यस सर। मैंने तुम्हें जो बताया याद है? तो जाओ मेरे लाल, उठो। सुनिए सुनिए सुनिए, दो मिनट मैडम, बुरा ना माने तो जरा कब्जे में आएंगी। छी, तेरे घर में माँ बहन नहीं है क्या? कम में कहेंगे, तू खूनी कैसे बना रहे? ऐसे प्यार से पूछेगा तो कोई नहीं डरेगा। गन निकाल, गन। ये वाली चेयर अच्छी है। ओह नो, ड्राइंग टीचर। मैं इसी जान ले लूंगा, मुझे किसी का डर नहीं है। मैं खूंखार दरिंदा हूँ। छोड़ दो, चुप। तू कौन है बे? मैं हूँ। गजा, तुम्हारी डिमांड्स क्या है बताओ हमें। वाह, पहली बार तुम पुलिस वाले सही टाइम पर आए हो। वैसे मुझे एक माइक चाहिए। माइक चाहिए? जाओ उसे माइक दे आओ। गजा, तुमने माइक की डिमांड की, हमने दे दी, अब लड़की को छोड़ दो। मैं माइक से तुम्हें अपनी सारी डिमांड्स बताऊंगा। मुझे छास चाहिए, वो ईमानदार ट्रैफिक पुलिस, बुलाओ उसे, बुलाओ। छास नहीं दास, छास नहीं दास, छास नहीं दास, बुलाओ उसे। दास को इसी वक्त बुलाओ। मैं तुम्हें सिर्फ 10 मिनट देता हूँ, अगर वो नहीं आया तो क्या करोगे? तो मैं इस लड़की के इस पिस्तौल से छोटे छोटे टुकड़े कर दूंगा। साहब, शायद अपना बकरा आ गया। सर, क्या तुम ही दास? अभी तक तो हूँ। तुम्हारे लिए एक सैड न्यूज है। क्या सर? तुम जल्दी ही शहीद होने वाले हो। अंदर 6 खून करने वाला गजा है। अंदर 6 खून करने वाला गजा है तो आप लोग बाहर क्या कर रहे हैं? अरे वो तुम्हें बुला रहा है। मुझे? अरे बाप रे। चलो जाओ। सरकारी टोपी संभालना जरा। तुम अगर मर गए तो ये टोपी मैं रख लूंगा। अंदर जिंदा तो जा रहा हूँ, शायद मुर्दा ही बाहर हूँ। दास को बुलाओ। यही दास है, यही दास है, यही दास है। समझ गया, समझ गया। तेरा नाम दास है?
चल मेरे साथ कोपचे में आ, सिर्फ एक तू बहादुर है जो मेरे साथ लड़ सकता जानू? है। जानू तुम यहाँ कैसे? तुझे तेरी जानू की पड़ी है, तेरी वजह से मेरी खटिया खड़ी है। मेरी वजह से? मुझे तुझ जैसे ईमानदार पुलिस वाले पसंद नहीं है, लेकिन तुमने अपनी पूरी जिंदगी लोगों की भलाई में बिताई, तुम महान हो। गजा अंकल आपको गलती से मिस्टेक हो गई। मिस्टेक तो अपने पैदा होने के वक्त हुआ था। ये सिर्फ अफवाह है। अफवाह कुछ नहीं, मैं जेल से सिर्फ इसलिए भागा था क्योंकि मैं तुम्हारा बहुत बड़ा फैन हूँ। आओ अपने ढांसू स्टाइल में मुझे अरेस्ट करो। गजा अंकल पहले लड़की को तो जाने दो। जाने दूंगा तो कब्जे में आओगे? में कहेंगे जाएंगे। कब्जे में जाएंगे ना? तू तू जा, आ रहा हूं, आ रहा हूं। कब्जे में कितना नहीं भाग रहा हूं। ए ए होशियारी नहीं, मेरे पास गन है। ए क्या कर रहे हो भाई? क्या तुमने लात मार कर मेरी गन गिरा दी? अब देखना मैं तुम्हें लात मारूंगा। अरे मार दिया रे, मार दिया। कचरे का डिब्बा मेरे सिर पे मार दिया, माथा फोड़ दिया। अच्छा अब क्या करूं? अब क्या करूं? नहीं नहीं गजांगल, बेचारे को लग गई। इट्स डिफरेंट। ये साला कितनी ओवर एक्टिंग करता है। Come on, come on. Arisim. ले जाओ, चलो 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 यहाँ से। दास जी, ट्रैफिक में होने के बावजूद तुमने मुझे पकड़ा। अगर तुम्हारे जैसे लोग क्राइम ब्रांच में हो तो मेरे जैसे मुजरिम रहेंगे ही नहीं, इसलिए तुम्हें क्राइम ब्रांच में होना चाहिए। क्राइम ब्रांच याद रखना, तुम्हारी तुम्हें सच में क्राइम ब्रांच में होना चाहिए। ग्रेट जॉब, याद रखिएगा। उठ जा साले, सर आ गए। गुड मॉर्निंग सर। क्या हा? तुम जब उठते हो तभी गुड मॉर्निंग होती है क्या? जनाब एक बज चुका है। तभी तो भूख लगी है। जब भूख लगे तब खाना और नींद आए तो सो जाना। तुम्हारे कपड़े और हेयर स्टाइल तो कुछ और ही कहते हैं। लगता है तुम फिल्मी हीरो बनना चाहते थे पर गलती से क्राइम ब्रांच में आ गए। नसीब खराब है वरना सुपरस्टार बन चुका होता। मतलब हमारा काम काम नहीं? हाँ, नहीं मैंने ऐसा तो नहीं कहा सर। सर हमें अभी अभी एक इन्फॉर्मेशन मिली है, स्मगलिंग के सामान से भरा एक ट्रक हमारे शहर में दाखिल हुआ है। लगता है सर वो अरे बहुत छोटी बातों को इलास्टिक की तरह मत खींचो। वैसे दास तुम्हें लगता है ना ये काम आसान है, तो जाओ उस ट्रक को पकड़ो। सर इसके साथ जाओ, ले जाओ इसे। ट्रक का नंबर क्या है? AP15X4545। सर ये पुलिस वाला है या टपोरी? कैसे कैसे नमूने आ जाते हैं यहाँ काम करने, मेरी तो किस्मत ही खराब है। AP15X4545, पता नहीं ये ट्रक कब पकड़ूंगा। अबे तेरी तो, ये तो मेरी ही आगे जा रहा है, लेकिन ये इतना फास्ट क्यों जा रहा है? अरे देखो अपना पुलिस वाला आ गया। अरे ये औरत बीच रास्ते में, ये तो शायद प्रेग्नेंट है। टेंशन मत लो, मैं अभी तुम्हें हॉस्पिटल ले चलता हूँ। ए बहरे, हॉर्न नहीं सुनाई देता क्या? अरे इसने तो आप लोगों को नहीं पकड़ा, साला 2 लाख का लॉस हो गया। डॉक्टर यही शुरू हो गए? वेरी सीरियस कंडीशन, एडमिट करने का टाइम नहीं है, डिलीवरी हमें यहीं करनी होगी। और आप यहाँ क्या कर रहे हैं? चलिए जाइए यहाँ से प्लीज। ठीक है। देख घबराइए मत, कीप ब्रीदिंग, कीप ब्रीदिंग। कम ऑन लाइन दास, कम ऑन लाइन, कम ऑन लाइन दास। कहाँ मर गया ये दास? कम ऑन लाइन, कम ऑन लाइन दास। हेलो सर, दास स्पीकिंग सर, ओवर सर। दास क्या हुआ, ट्रक को पकड़ा, ओवर। एक अर्जेंट काम आ गया था, मैंने उन्हें जाने दिया। अर्जेंट काम? अभी मैं कुछ बताने की पोजीशन में नहीं हूँ, वो रास्ते में एक लड़की मिली और। ये कैसी आवाज है सर? अच्छा ये था तुम्हारा अर्जेंट काम? मैंने तुम्हें इतना इम्पोर्टेंट काम सौंपा, तुम याशी कर रहे हो? आप जैसा सोच रहे हैं वैसा कुछ भी नहीं हो रहा है सर, चाहे तो लड़की से पूछ लीजिए। अब क्या करूं? वन मिनट सर। मैडम जी आप बताएंगी यहाँ क्या हो रहा है, वरना मेरी नौकरी चली जाएगी। जरा करीब आओ ना। अब बता दो, अगर पुलिस हर अबला नारी की ऐसे ही मदद करेगी तो हमारी जिंदगी संवर जाएगी। मुझ पर अभी कोई डाउट तो नहीं है ना सर? हैप्पी सर? हैप्पी मुझे नहीं, तुम्हें होना चाहिए। ए, जब पहली बार तुम्हें देखा मुझे लगा ही था कि तुम इसी काम के लिए माहिर होगे। सर
थोड़ी देर के बाद बच्चा पैदा होने वाला है, उसकी आवाज सुनकर शायद आप मुझ पर विश्वास करें। ये बंदा तो बहुत फास्ट निकला। Hey, what the hell is happening there?